फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेरियस स्केल टू मेजरमेंट्स ऑफ द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम लोग वेरियस स्केल से कैसे मापते हैं। बहुत सारी स्केल है, आपका रिमर स्केल भी है, रोमिन स्केल भी है, डिग्री सेल्सियस भी है, डिग्री फारेनहाइट भी है, लेकिन जो आज के डेट में ज्यादा प्रचलित है, रेयर केस में रीमर स्केल का भी प्रयोग किया जाता है। रेयर केस में रीमर स्केल का प्रयोग किया जाता है। तो आज के हम लोग टॉपिक्स में चार स्केल के बारे में पढ़ेंगे और दोनों के चारों के बीच में रिलेशनशिप कैसे आप क्विकली डिग्री फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस को रीमर में, डिग्री रीमर को डिग्री केल्विन में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, ये क्विकली रैपिडली आप सीखेंगे। अब देखिए, डिग्री से इसका मतलब हुआ, डिग्री सेल्सियस का मतलब हुआ, ये स्केल को इंडिकेट करता है, ये जो है स्केल को इंडिकेट करता है। और इसका मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट जीरो होता है, मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट जीरो, और मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट जीरो और मैक्सिमम स्टैंडर्ड पॉइंट हंड्रेड। अब बीच के भाग को जो इक्वल 100 इक्वल डिवीजन में बांट देते हैं, 100 इक्वल डिवीजन में बांट देते हैं। डिग्री सेल्सियस स्केल में मिनिमम 0, मैक्सिमम 100 और दोनों के बीच के डिस्टेंस को 100 इक्वल डिवीजन में बांट देते हैं। और प्रत्येक इक्वल डिवीजन एक डिग्री सेल्सियस कहलाता है, प्रत्येक इक्वल डिवीजन एक डिग्री सेल्सियस। अब चलिए, डिग्री फारेनहाइट ये स्केल को दिखाता है, ये जो फारेनहाइट है स्केल को दिखाता है, और मिनिमम जो इसका स्टैंडर्ड पॉइंट होता है 32, मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट 32 होता है। 32 और 212 के बीच की दूरी को अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ द डिग्री फारेनहाइट, 212, मिनिमम 32, और दोनों के बीच की दूरी को 180 बराबर भाग में बांट देते हैं, और ईच इक्वल डिवीजन को हम लोग क्या करते हैं, 1 डिग्री फारेनहाइट कहते हैं। अब चलिए, K का मतलब आपका हुआ केल्विन स्केल। इसका मिनिमम पॉइंट होता है 273, मिनिमम पॉइंट होता है 273। और मैक्सिमम पॉइंट होता है 373। दोनों के डिवीजन को 180 बराबर भाग, 100 इक्वल डिवीजन में बांट देते हैं। अब चलिए, रीमर स्केल आर से हम लोग लिखते हैं। इसका मिनिमम होता है 0 और मैक्सिमम होता है 80। मिनिमम होता है 0, मैक्सिमम होता है 80। बीच के आर और 0 और 80 के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको 80 इक्वल डिविजन्स में बांट देते हैं, और ईच इक्वल डिविजन इज कॉल्ड 1 डिग्री रीमर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपका रिलेशन हुआ, रिलेशन बिटवीन या अमोंग दीजिए, चूंकि 2 से ज्यादा है, रिलेशन अमोंग डिग्री फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस, डिग्री केल्विन, डिग्री रीमर। अब देखिए कितना इजी पड़ जाएगा, अगर आपको डिग्री सेल्सियस को रीमर में कन्वर्ट करना है, रीमर को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, इस दोनों पॉइंटेशन को लीजिए। यहां लिखिए C/100 = R/80,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 100 R बराबर 80 C, R बराबर 80 C बटा 100, ये मैंने ये रिमूव कर दीजिए 0.8 C। अगर 0.8 में डिग्री सेल्सियस को गुना कर देंगे तो रिमर में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल में लीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस को रिमर में कन्वर्ट कीजिए, 40 डिग्री सेल्सियस को रिमर में कन्वर्ट कीजिए तो 40 गुना 0.8 बराबर 32, 8 × 32 32 डिग्री रिमर हो गया, 32 डिग्री आपका रिमर हो गया। देखिए कितना इजी प्रोसेस हो गया। अगर आपको सी को री में आर में कन्वर्ट करना है, आर को सी में कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री फारेनहाइट को रिमर में कन्वर्ट करना है, तब क्या कीजिएगा, इस दोनों पॉइंट को लीजिएगा, एफ माइनस बत्तीस बटा 180, आर बटा आपका 80, आर बटा 80 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, 180 R बराबर 80 × f − 32, R बराबर 80 × f − 32, ये कटा दीजिए, 4 × 8 = 9 × 18 डिग्री रिमर बराबर 4/9 × f − 32। अगर 32 डिग्री फारेनहाइट को रिमर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पर फारेनहाइट के मान को पुट कर दीजिए, 4/9 से गुना कर दीजिए और डिग्री रिमर में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डिग्री रिमर को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है तो रिमर के वैल्यू को यहाँ रखिएगा, 4/9 को LHS में लाइएगा, रिवर्स हो जाएगा, अब 32 इधर आकर जुड़ जाएगा। अगर मान लिया जाए आपको केल्विन और डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो C/100 K − 273/100 रिमूव कर दीजिए, K = 0° C + 273। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 जोड़ते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए 273 घटाते हैं, इसका भी हो गया। अब चलिए आप केल्विन और रिमर 273/100 बराबर R/80 क्रॉस कीजिए 80 × K − 273 बराबर 108, K − 273 बराबर 100 R/80, ये रिमूव कर दीजिए, 4 × 8 = 5 × 10 = 4 × 8, ये हो गया 4 × 4 = 4 × 8 = 20, इतना R हो गया। K = 1.25 R + 273। अगर रिमर को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो रिमर में 1.25 से गुना करके 273 जोड़ दीजिए, रिमर में 1.25 से मल्टीप्लाई करके 273 जोड़ दीजिए। तो डियर स्टूडेंट देखिए कितना ट्रिकली, कितना रैपिडली, कितना इजीली ये प्रोसेस है कि आपको अगर कोई पूछ देता है अचानक भाई कि रिमर 50 डिग्री रिमर सेल्सियस में क्या होगा, तो कुछ देर के लिए आपको थॉट करना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा। थिंकिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं, आप लिखिएगा तुरंत C/100 f − 32/180 K − 72/180 R − R/180। सम इस जीरो हटा सकते हैं, इसमें जीरो हटाइएगा तो ये भी जीरो हटेगा। अगर सब में 2 से भाग लेता है, भाग दे दीजिए, 2×10 = 18, 2×10 = 10 जो हो गया, सिंपलेस फॉर्म में आप ला सकते हैं। ये कितना इजीली प्रोसेस है आपका, फिर एक बार देखिए शॉर्टकट पे ये बता रहा है डिग्री सेल्सियस स्केल माइनस मिनिमम पॉइंट ऑफ द डिग्री सेल्सियस 0 इक्वल डिवीजन फारेनहाइट बता रहा है स्केल को माइनस मिनिमम स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ द डिग्री फारेनहाइट 32 ये बता रहा है इक्वल डिवीजन को, के हो गया केल्विन स्केल, ये मिनिमम पॉइंट और ये हो गया आपका 100 डिविजन्स, ये हो गया R − 0/100 तो R/80 हो गया इक्वल डिविजन्स हो गया। अब जैसे आपको करना है
आप जैसे कर सकते हैं जिसको लेना है दो। अगर डिग्री सेल्सियस और रीमर की चर्चा करना है तो डिग्री और रीमर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, डिग्री और रीमर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, अब देखिए आपका एक्चुअल आंसर आएगा। और ये जो रेशियो लिखे हुए हैं हमेशा दिमाग में रखना होगा आपको, तब आपका ये सॉल्व हो पाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से आज का टॉपिक हमारा समाप्त हुआ, और अपने फ्रेंड सर्किल में जहां तक आपको ये शेयर करना कीजिए, ताकि ये जो मेहनत किया जा रहा है वह इससे सबको फायदा वगैरह मिले। थैंक यू वेरी मच।